दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग कैसे कानपुर में इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कानपुर के जितने भी निवासी हैं उनके लिए केस्को की एक यूनिट लगी है जो कि आप लोगों को बिजली सप्लाई करवाती है, और केस्को बहुत ही बड़ी कंपनी मानी गई है और यहाँ कानपुर में पूरी सप्लाई केस्को के नाम से ही जानी गई है। अगर आप लोगों को भी अपना बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करवाना जानना है कि आप लोगों को कानपुर में कैसे अपना बिजली का बिल जमा करना है, तो उसके लिए आप लोगों को बस इस पोस्ट पर पहुंचना होगा। इस पोस्ट पर आने के लिए आप लोगों को अपने नीचे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी मिल जाएगी, जहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहीं पर सबसे नीचे की तरफ आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक ऐसा लिंक दिया गया है एक केस्को WSS नाम से, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे देखिए क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने केस्को की ऐसे यूनिट बनकर आ जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पर अगर अपना ऑनलाइन बिल जमा करवाना है तो देखिए, कस्टमर सर्विस माई अकाउंट लॉगिन्स, यहाँ पर अपनी पूरी कस्टमर के अधिकारी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कस्टमर नंबर लिख सकते हैं, पासवर्ड लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर दें। अब आप लोगों को दूसरा तरीका बताते हैं जिसमें आप लोगों को अपना बिल ऑनलाइन जमा करवाने का मौका मिलता है। आप लोग अगर बिल ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, कंप्लेंट रिक्वेस्ट सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। अबाउट में आप लोगों को इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप लोगों को, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर करवा सकते हैं। बाकी आप लोग पे योर बिल के ऊपर ऐसे क्लिक कर दें। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी नंबर लिखना है, जैसे कि ये हमने लिख दिया अपने सामने। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको लिखना है। ये देखिए कैप्चा कोड हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये 0। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ऐसे इसके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। हम लोगों के सामने मेरी पूरी जानकारी बनकर आ जाएगी। ये देखिए, हमारे सामने ऐसे पूरी जानकारी बनकर आ गई है जिसमें हम व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारा देखिए पुराना बिल जमा हो चुका है 1513 रुपये का, और कुछ इस तरीके से आप लोगों का बिल जमा तैयार होकर दिख जाएगा, जिसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप लोग इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर आप लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं, अपने पास बनाकर रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपना इसमें बिल ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी कमेंट करके हमको बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।